इतिहासकार भी हमारे साथ है, इस चीज को हम भी समझेंगे। सिर्फ एक पक्ष की बातें यहाँ पर सुनकर के हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे, ये चर्चा है, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन बार बार सनातन का अपमान करते हुए बयान क्यों दिया जाता है? आलोक अवस्थी का मैं रुख कर रही हूँ, देश में इस तरीके का माहौल क्यों हो रहा है? और इसके पहले भी समाजवादी पार्टी की तरफ से जितनी बार भी ये सवाल मैंने पूछा है, उनकी तरफ से भी कहा गया, अगर ऐसा लगता है तो फिर सरकार एक्शन ले ले, लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला अगर आपको लगता है कि सौहार्द बिगड़ेगा और दो धर्म समुदाय मजहब के बीच में इस तरीके की बयानबाजी अगर की जा रही है किसी को टारगेट करते हुए, तो फिर किस चीज का इंतजार बीजेपी कर रही है? निंदा सिर्फ क्यों करती है बीजेपी, विरोध सिर्फ क्यों करती है बीजेपी? लीगल एक्शन लीजिए। स्वामी प्रसाद का मौर्य का जो बयान आते हैं वो श्रीमान अखिलेश यादव का बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी का कोई खंडन ना होना, अखिलेश यादव जी के द्वारा कोई कार्रवाई ना करना, स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि यह बयान सारे अखिलेश यादव जी के खाली मुखौटा जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का है। कारण क्या है कि तुष्टिकरण की राजनीति के तहत अखिलेश यादव जी आज जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम मंदिर बन रहा हो एक नाटक हो रहा है, ये वही लोग हैं समाजवादी पार्टी के जिन्होंने राम भक्तों को गोलियों से भूना था और कई लोगों को मार करके सरयू को लाल कर दिया था, खून से लाल कर दिया था। आज उनकी छाती में दर्द हो रहा है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो रहा है और उसकी तो उद्घाटन की तिथि भी तय हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर्फ एक मुखौटा ही अखिलेश यादव का दुख और दर्द है जो स्वामी प्रसाद मौर्य के। ठीक है आलोक जी, एक सेकंड में रोक रही हूँ, एक और बात यहाँ जोड़ना चाहूंगी, एक अलग बात हो गई, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है। अगर उनकी पार्टी के लीडर्स इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो पार्टी की तरफ से एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, उनके मुखिया क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे संदर्भ में अगर हम बात करें, जो दूसरी बात है, क्योंकि इस तरीके के बयान सामने आने के बाद बीजेपी के लीडर्स का भी रिएक्शन सामने आया, कोई उनको स्वामी प्रसाद मौर्य को अधर्मी करार दे रहा है तो कोई हिंदू विरोधी सनातन विरोधी बता रहा है। इसके पहले भी बयान सामने आए थे कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है, सनातनी है या नहीं है ये भी वो बता दें। माहौल खराब होने का आरोप लगाया जाता है कि दंगे फसाद हो सकते हैं, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। रामचरितमानस पर भी जो उन्होंने बयान दिया था उसके बाद क्या माहौल था वो हमने देखा था। तो इसको लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी है, क्या एक्शन, अगर ऑपोजिशन के लीडर्स के तरफ से या किसी के लीडर्स के तरफ से भी आपके स्टेट में इस तरीके का बयान दिया जाता है, यहां लॉ एंड ऑर्डर पे स्थिति बन आती है, वो खराब होता है, तो उसके लिए क्या तैयारी, क्या एक्शन? अभी तक आप लोगों ने भी तो इनिशिएट नहीं लिया ना। प्रिया जी, यह देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान सभा के द्वारा जो बनाया हुआ संविधान है उससे चलता है। जब भी लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब होने की बात आएगी और कोई ऐसी घटना की जाएगी जिससे कि ये प्रतीत होगा कि जो है कानून व्यवस्था खराब होगी, निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी। चलिए, यानी कि इस तरीके का जो बयान दिया गया है उससे कोई माहौल खराब नहीं होने वाला है, किसी किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इस तरीके के बयान बड़े नॉर्मल हो गए हैं, बड़े कॉमन हो गए हैं। देखिए, राजनीतिक बयान है और इसमें पहले भी इनके बयानों के ऊपर FIR दर्ज की गई है विभिन्न संगठनों के द्वारा और पुलिस तफ्तीश कर रही है, पुलिस कानून अपने हिसाब से काम कर रही है। मेरा इतना और कहना है कि हमारे पास है वो 30-30 सेकंड अगर मिल जाए तो, मेरा इतना खाली कहना है कि सावरकर जी को उसमें लाया गया, हिंदू महासभा को लाया गया। मैं तो सिर्फ सावरकर जी के लिए इतना कहना चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पुश्ते भी जो है वो सावरकर नहीं बन सकती है, बनना चाहे तो भी असंभव है। भारतीय इतिहास में वीर सावरकर का सरनेम जो है संपूर्ण दर्शन है, वो ना उनकी हैसियत है ना कद है और ना ही उनका जहनी स्तर है कि सावरकर बन पाए। धर्म के आधार पर देश को बांटने वाले जो कांग्रेस और नेहरू और जिन्ना की जो जुगलबंदी थी, इसकी वजह से जो है देश का बंटवारा हुआ है। और सीधी सी बात यह है, सावरकर जी क्या उसमें कुछ पावर भी नहीं थे, कांग्रेस उसमें मुख्य पार्टी थी जो कि जो है तमाम जो है आंदोलन कर रही थी, सरकार जो है कांग्रेस के हाथ में दी गई, तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस और जिन्ना की मिली भगत थी। इसको इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास जो मौर्य जी कर रहे हैं या आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है, निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी इन सब बातों के जिम्मेदार है जो स्वयं प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। ठीक है, शिशिर चतुर्वेदी प्रवक्ता हिंदू महासभा के हमारे साथ बने हुए। हिंदू महासभा के ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लगाए गए स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, हिंदू महासभा क्या किसी एक्शन की तैयारी में है, क्या कहना चाहेगी? देखिए, मूर्खों को जवाब नहीं दिया जाता है।
इन मूर्ख को जवाब दिया हमारे कार्यकर्ता आकाश सैनी ने, जूता उठा के इनको जब मारा, ये इनका जवाब है ऐसे मूर्खों का। इनको इतिहास का ज्ञान नहीं, राजनीति में आने के लिए कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं होती है, कोई भी अनपढ़ आदमी भी बड़े पद पे बैठ सकता है। 1905 में जब बंगाल का धार्मिक आधार पे बंटवारा हुआ, तब नींव रखी गई ब्रिटेनिया हुकूमत के द्वारा इस देश में बंटवारे की। नींव की शुरुआत 1905 में हुई, 1932 में जाके हिंदू और मुस्लिम में दूरियां बढ़ी। सेंट्रल असेंबली जो थी उसमें क्या हुआ, सेंट्रल असेंबली में 33% मोतीलाल नेहरू जी की कमेटी ने मुसलमानों को सीट देने की बात की, जिसका विरोध हिंदू महासभा ने उस वक्त किया, जो समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र ने भी बताया। उसके बाद 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, वहां पर मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठी सबसे पहले। उसके बाद लखनऊ में अधिवेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन में यहां पर कहा गया, यहां पर जो अधिवेशन था उसमें फाइल को ऐसे उछाल के हॉल में जो उन्होंने क्या नाम है जिन्ना जी ने कहा, अब हम एक अलग देश, क्योंकि हिंदुओं से अलग हमारा खान पान पहनावा सब कुछ अलग है, तो हमको अपनी एक छत चाहिए पाकिस्तान के रूप में। तो पाकिस्तान की नींव इस लखनऊ की धरती से यहां से शुरुआत हुई। तो इस बंटवारे की नींव में कौन कौन है, सबसे पहले ब्रिटेनिया जो हुकूमत है, ब्रिटिश सरकार, दूसरे नंबर पे आती मुस्लिम लीग और तीसरे नंबर पे आती कांग्रेस, क्योंकि इस देश के बंटवारे में सबसे बड़ा काम जो स्वीकृति जो दी गई वो कांग्रेस के द्वारा दी गई। तो देश के बंटवारे के दोषी तीन खलनायक। और उसके बाद लाला लाजपत राय, भाई परमानंद जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, सावरकर जी, इन लोग ने लगातार उस दौर में भारत माता की जय और गौ माता की रक्षा की बात, मातृभाषा की प्रबलता की बात उठाई। तो इस प्रकार से हिंदू महासभा के बलिदान को, उसके कार्यों को आपको बताता हूं। देश का पहला सैनिक स्कूल हिंदू महासभा की देन, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी BHU हिंदू महासभा की देन, देश में जो हिंदू दबाव तलवार की नेक पर मुस्लिम बन गए थे उनकी घर वापसी का आंदोलन चलाया हिंदू महासभा ने, शुद्धिकरण किया सैनिक, देश में ब्रिटिश सरकार की सेना में हिंदुओं को कहा सैनिकीकरण, सेना में रामचरितमानस को लेकर के जो बातें सामने रखी थी, ये कोई तरीका नहीं होता किसी भी सभ्य समाज का। हिंदू महासभा इन तरीकों से ऊपर उठ करके एक्शन लेगी, ये रवैया तो नहीं होना चाहिए ना जवाब देने का। देखिए 20 सेकंड क्या मैं आपसे मांग रहा हूं, सावरकर थे कौन? सावरकर वो हैसियत के नेता थे जब मोतीलाल नेहरू जी, जिन्ना जी जैसे नायक, ये लोग जो गए जिनको नायक पहले बताया गया और काल में खलनायक निकले, ऐसे लोगों ने जब बैरिस्टर की डिग्री वहां ब्रिटिश सरकार से ली, तो वहीं पर सावरकर जी ने ब्रिटिश सरकार की दी हुई डिग्री वापिस कर दी। क्यों? क्योंकि उस वक्त लिख के देना पड़ता था, ब्रिटिश हुकूमत को मानते हैं, ये त्याग था उनका। दो दो बार आजीवन कारावास सावरकर जी को हमारे मिला। जिस प्रकार से त्याग, तपस्या, बलिदान, कवि, इतिहासकार, शिक्षाविद, कितने शब्द उनसे जुड़े हुए, इसको समझना है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की शब्दों को सुन लीजिए, क्या थे हमारे सावरकर। लेकिन इतिहास के पन्नों में कलंकित कांग्रेस, जिसके लिए स्वयं गांधी जी ने क्या कहा था, इस कांग्रेस को यही समाप्त कर दो आजादी के बाद, नहीं तो ये लोभी लालची लोगों की कांग्रेस है आज देश देख रहा है। तो ये उन्हीं के साझेदार है स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग। लेकिन हिंदू महासभा के इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से मुस्लिम लीग, ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के काले पापों के द्वारा ये बंटवारा किया गया, हिंदुओं को क्या मिला? डॉक्टर अजय कुशवाहा हमारे साथ इतिहासकार भी जुड़े हुए, सर उनसे मैं कमेंट ले लूं क्योंकि ब्रेक का भी वक्त हो जाएगा, सभी को मैं चर्चा में शामिल करना चाहती हूँ। इतिहास क्या कहता है आज जब 21वीं सदी में हम 2023 में यहाँ पर बैठे हैं, चांद पे हम पहुंच गए, बातें हम कर रहे हैं कि आगे अगला विजन क्या होने वाला है, लेकिन इस तरीके के बयान चुनाव से पहले ठीक जब सामने आ जाते हैं तो काफी
काफी पीछे चले जाते हैं हम और उन चीजों का एक बार फिर से जिक्र होने लगता है, बजाय इसके कि इस सरकार ने क्या किया है, बजाय इसके कि आने वाले वक्त में जो आप लोगों के बीच में है, जो लीडर्स हैं, वो मंच से क्या बातें सरकार की तरफ से कही गई है, विजन क्या है आपकी, आपका आपकी प्लानिंग क्या है, आपके संकल्प पत्र में क्या है, आप योजना पत्र आप क्या लेकर के आ रहे हैं, कैसे लाभ दे रहे हैं, आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हमारी जो देश के दो टुकड़े हुए हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है। डॉक्टर अजय कुशवाहा जी नमस्कार। प्रिया जी आवाज आ रही है मेरी? जी ये आजकल का क्या बोला जाए, आजकल के राजनेताओं का एक ट्रेंड समझिए कि इतिहास को अपने पक्ष में बोलने का एक ट्रेंड सा बन गया है। सही तथ्य, सही इतिहास की जानकारी का ज्ञान ना होते हुए भी कुछ भी बोल दीजिए, क्योंकि आप आजकल राजनीतिक माहौल ऐसा हो गया है कि इतिहास और इतिहास के नायकों को अपने पक्ष और अपने विपक्ष में रखने का एक ट्रेंड सा बन गया है। अभी एक महान भाव को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की एक पुस्तक है, उन्होंने शायद पढ़ी भी होगी, द गिल्ट मैन ऑफ पार्टीशन। इसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने उन्होंने ये तो लिखा कि वो लोग सत्ता के भूखे थे इसलिए विभाजन स्वीकार किया, लेकिन ये क्यों नहीं बोला कि वो कौन लोग थे। डॉक्टर मनोहर लोहिया ने स्पष्ट रूप से लिखा कि कौन लोग सत्ता के लिए भूखे थे और कौन विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। तो ये तो समाजवादी का ट्रेंड, समाजवादी के क्रोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्पष्ट ही कर चुके हैं, इसमें किसी के लाग लपेट की कोई बात ही नहीं है। जहां तक रही जिन्ना की बात, तो जिन्ना इस देश के विभाजन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थे। मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना और उसके साथ कहीं ना कहीं तत्कालीन भारत की राजनीति का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी भी भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। किसने कभी मैं किसी पार्टी का पक्ष विपक्ष में तो एक इतिहासकार की भूमिका में कह रहा हूँ, हिंदू महासभा ने कभी सीधी कार्रवाई दिवस कहा 16 दिसंबर 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की मांग ना माने जाने के लिए, स्पष्ट रूप से अपनी बात को मानने के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे लिया गया। बंगाल के मुआफली के दंगे भड़के, पूरे देश में दंगे भड़के, लाखों लोगों की जान चली गई। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल मोहम्मद। यानी कि हर कोई इतिहास को अपने अपने तरीके से तोड़ मड़ोड़ करके लोगों के सामने पेश कर रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है। इतिहास के पन्नों में सारी चीजें दर्ज हैं, कौन किसके लिए जिम्मेदार है या नहीं है। लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि चुनाव के ठीक पहले इस तरीके के बयानों की बाढ़ सी आ जाती है। इक्का दुक्का बयानबाजी नहीं होती है, बाढ़ आ जाती है हर मंच से और हर बार सनातन को टारगेट किया जाता है।